अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं नमाज इशा पढ़ के काबतुल्लाह से बाहर निकल रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि जमजम का पीने का पानी कहाँ से मिलता है और अगर आपने बर्तन भरने हैं तो कहाँ से भरने। अभी मैं थर्ड फ्लोर पर हूँ, मैं नीचे जाऊँगा और फर्स्ट फ्लोर से फिर मैं एंट्री लूँगा। और ये मेरे सामने क्लॉक टावर है और इस तरह से मैं ये थर्ड फ्लोर से नीचे जाऊँगा और वो सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है इधर से मैं एंट्री लूँगा और अंदर जाके मैं आपको पहले जमजम का पानी जहाँ से आपको पीने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ से पियेंगे, अगर आपने बर्तन भरने हैं अपने होटल लेके आना है तो आपने कहाँ से लेना है। तो लेट्स गो। तो ये इस वक्त मैं फिर से सेकंड फ्लोर पर हूँ, क्योंकि सीधे नीचे जाना रश बहुत ज़्यादा था इसलिए वो नमाज़ के फ़ौरन बाद और नमाज शुरू होने से पहले वो बैरियर्स लगा के बंद कर देते हैं, इसलिए आपको सफ़ा मरवा का भी चक्कर लगा के फिर वहाँ से एंट्री लेनी पड़ती है। तो चलिए इसी बहाने आपको सफ़ा मरवा भी दिखाते हैं और यहाँ पर लोग सही कैसे करते हैं ये भी दिखाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं नीचे काबतुल्लाह के बिल्कुल सामने, एक तवाफ़ करते हैं, क्योंकि जो पानी भरने की जगह है वो नीचे बिल्कुल काबतुल्लाह के साइड पर ही है, तो वहाँ से उस तरफ चलते हैं। ये मेरे सामने थाईलैंड का एक ग्रुप है जो कि एक ही आवाज़ में अपनी दुआएं अपने अज़कार करते हुए जा रहा है और मैं रिकमेंड करूंगा आपको जब भी आप आएँ तो किसी अच्छी ट्रेवल एजेंसी के साथ, किसी अच्छे ग्रुप के साथ आएँ ताकि यहाँ आकर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उनके लिए बड़ी आसानियाँ होती हैं। एक तो इनकी एक अलग किस्म की यूनिफॉर्म होती है, उनके गले में कार्ड्स होते हैं, घूमने का ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है, हर चीज़ को आप परफॉर्म करने में आपको आसानी होती है, ख्वा वो होटल में हो या यहाँ आके काबतुल्लाह में हो, बाहर हो या ज़ियारात के लिए जाना हो, तो ये तमाम चीज़ें आपको ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आपको आसानी होती है। नहीं, अगर आप यहाँ के फैमिलियर हैं, आपको हर चीज़ हर जगह का पता है, तो फिर बेशक आप अकेले भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले आ रहे हैं, सबसे पहला आपका उम्रा है या पहला हज है, तो आप ग्रुप के साथ आ जाएं। और ये मेरे सामने जमजम के कूलर्स भरे पड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे भाई पानी पी रहे हैं। ये जगह आपको सिर्फ पीने के लिए, पानी के लिए अलाउ है, यहाँ से आप बर्तन भर के लेके नहीं जा सकते। अलबत्ता अगर आपके पास छोटी कोई बोतल है आपके बैग में तो आप उसे भर के ले जा सकते हैं, लेकिन बड़ा बर्तन यहाँ से भरने की इजाज़त नहीं है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ और काबतुल्लाह मेरे बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं लोग तवाफ़ कर रहे हैं और ये इशा की नमाज़ के बाद के मंज़र हैं। कुछ लोग अपने होटल्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ बाहर से आ रहे हैं, तो मैं एक तवाफ़ करूँगा यहाँ पर और ये ख़ूबसूरत मंज़र आपको भी थोड़ा सा दिखाऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ से मैं अपने राइट साइड पर बिल्कुल सामने जाऊंगा तो वहाँ पर पानी भरने की जगह है, फिर वहाँ से पानी भरेंगे, क्योंकि बादलों ने डेरे डाले हुए हैं, आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो हम चलते हैं, एक तवाफ़ करते हैं, उसके बाद जो है मैं उस जगह आपको लेके जाता हूँ जहाँ से आप आपका जितना भी बड़ा बर्तन है आप वहाँ से भर सकते हैं, ख्वाह 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, 20 हो, 40 हो, जितना भी हो वहाँ से आपको पानी भरने की इजाज़त है। तो चलते हैं उस तरफ, चल के पानी भर लेते हैं। ये आगे से रश बहुत था तो मुझे दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ा। अभी मैं यहाँ से दोबारा नीचे जाऊँगा और बिल्कुल यहाँ से मैं अपना राइट टर्न लूँगा तो यहाँ पर आपको पीने की पानी की जगह आएगी पहले, फिर उससे आगे जो है बर्तन भरने की जगह आएगी। तो ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है काबतुल्लाह का। आप जब भी बाहर से इंटर होते हैं तो इस तरह से आगे सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों से आपको पहले नीचे आना पड़ता है, फिर आपको सामने काबतुल्लाह नज़र आता है और आप तवाफ़ बिल्कुल निचली पोर्शन में कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये कूलर्स हर फ्लोर पर लगे हुए हैं, ऊपर भी हैं, इससे ऊपर भी, जितने भी ऊपर के फ्लोर्स हैं सब पे ये कूलर्स लगे हैं। तो हम इसी रूट से, आपको समझने में आसानी होगी।
तो इसी तरह से आप आगे चलते जाएं। ये डिसइंफेक्ट करने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी मशीन्स, जिनको आप रोबोट्स भी कह सकते हैं, जो पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं। और इसी तरह से परफ्यूम जो स्प्रे होता है कभी कभी, वो भी यहाँ पर इन रोबोट्स में उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर काबतुल्ला के आसपास और मस्जिद नबवी में भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये बहुत ही स्मार्ट किस्म की टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं, जो कि कहीं से ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जा रही है। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ये मेरे बिल्कुल सामने, आगे से मैं राइट लूँगा, आप सामने वाले गेट से भी आ सकते हैं जहाँ से लोग इस वक्त एग्ज़िट ले रहे हैं। यहाँ से आप सीधे इधर आ सकते हैं, क्योंकि रश था इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया, मैं ऊपर गया, वहाँ से फिर मैं मुझे दोबारा नीचे आना पड़ा। तो ये मैं बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा हूँ, और इस वक्त मेरे बिल्कुल फ्रंट पर आपको नज़र आएगा ये जो जगह है। यहाँ से आप अपने बर्तन भर के ले जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। और बनिस्बत उन कूलर्स के, यहाँ पर पानी आपको बहुत ठंडा मिलता है, एक्सट्रीम ठंडा होता है। तो जो लोग ठंडा पानी, ठंडा जमजम पीना पसंद करते हैं, वो यहाँ से आके पी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 10 लीटर की अपनी बड़ी बोतल ले आया हूँ, उसको भरते हैं फिर लेके चलते हैं। और ये यहाँ पर ये बिल्कुल ऑटो है, सेंसर लगा हुआ है, आप नीचे बोतल इसके रखेंगे तो ये पानी भर देगा, और इस तरह से जो ही आप बोतल हटा देंगे तो फिर पानी बंद होगा। तो बड़ी बोतल रखना नीचे मुश्किल है, तो मैं छोटी बोतल से इस तरह से इसको भर देता हूँ, और इसको फिल करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो चलिए, पानी मैंने भर लिया, अब चलते हैं वापस होटल की तरफ, और मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर अभी जाऊँगा और वहाँ से एक मंज़र आपको दिखाऊँगा। ईशा के बाद का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है, काबतुल्ला के आसपास बिल्कुल पूरी जगह भरी होती है। तो चलते हैं ऊपर, उसके बाद फिर होटल की तरफ चलते हैं। मैं जब भी इस फ्लोर पर आता हूं तो मैं खाना काबे के बिल्कुल सदर दरवाज़े के सामने खड़ा होता हूं। मुझे ये मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है कि किस तरह से मांगने वाले अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं, किस तरह दरवाज़े की चौखट को पकड़ते हैं और गिड़गिड़ा कर अपने मौला से अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। आज इस जगह पर बैठे अल्लाह से दुआ है कि जितने भी इस वीलॉग को देखने वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह उनको दोबारा इस जगह की ज़्यारत नसीब फरमाए। जितने लोग नहीं आए हैं, अल्लाह से दुआ है उन सबको अपने घर की ज़्यारत नसीब फरमाए, उन सब के मुकद्दर में भी ये मंज़र देखना नसीब हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।